कोरोना से इस समय पूरा विश्व पीड़ित है। इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना सुरक्षित रह पाते हैं। अपने आप को जितना सैनिटाइज रखेंगे, जितना आइसोलेशन में रखेंगे, उतना ही आप स्वयं स्वस्थ सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमें दिन रात काम करना पड़ता है, पूरी जनता की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर ये अपील जो लोग सुनते हैं उनको सभी को इस बात का पालन करना चाहिए, जितना हो सके घर पे रहें, बाहर कम से कम निकलें, जब भी बाहर निकलना पड़े किसी कारणवश पूरे तरह से सैनिटाइज होकर निकलें। इसके लिए आप अपने हाथों को 20-25 सेकंड तक इनको अच्छी तरह साफ करें, या अन्य सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें। जितना हो सके बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें, चाहे आपको कितना इमरजेंसी हो आप बाहर नहीं निकलें, क्योंकि जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे उतना ही हम इस कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। ये बात सही है कि कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रखा है, परंतु हमारे देश में संपूर्ण जनता ने अच्छे प्रयास करने के कारण आज हम इसमें जीत हासिल करने की ओर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस बात को ठान लिया कि हम बिल्कुल साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, और जो भी कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है या उसकी सूचना मिलती है, तुरंत उसका इलाज कराने का प्रयास करेंगे, चिकित्सा विभाग को सूचित करने का प्रयास करेंगे, प्रशासन को सूचित करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ अपन बहुत ही जल्दी ही इस कोरोना में जीत हासिल करेंगे और सभी को अपन स्वस्थ रखने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। राजसमंद जिले में सभी ने, जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने जो अपील करी है, उस पर लोगों ने मनन किया है, और प्रशासन ने जो प्रयास किया है उसकी सराहना सभी ओर से सुनने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की अनुकंपा से आज एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिला है। इसका यही संदेश जाता है कि आगे भी हमें अनुशासित रहना चाहिए, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। और जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग ने जो एक फॉर्मूला दिया है, जो एक नियमावली दी है, उसका पालन करते हुए हमें स्वस्थ रखना चाहिए, और ये प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। गाँव में भी कोई व्यक्ति जो है इसे संक्रमित नहीं हो, इसके लिए वो कम से कम बाहर निकले, कम से कम लोगों से मिले, जितना हो सके आइसोलेशन में रहे, साफ सुथरा रहे, और कोरोना को भगाए और कोरोना को भगाने में अपना योगदान दे। थैंक यू।